बताएंगे आग नहीं लगे, यदि लग भी जाए तो उससे आपको कम से कम क्षति हो, तुरंत उस पर आप लोग काबू पा सकते हैं अपने आप। उसके बाद हम लोग का जो नंबर है उसको कॉल कीजिएगा तो हम लोग आएंगे। देखिए पहले बार आपको मन में आएगा आग क्या है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिसमें ऊष्मा और प्रकाश रहेगा तबे उसको हम लोग आग बोलते हैं। जैसे कहीं पर आपको लाइट दिखाई देगा बहुत ज़्यादा खलिहान में थी तो आपको महसूस हो जाता है कि फला जगह आग लगा हुआ है, पता है ना। यदि आपके घर में चूल्हा जल रहा तो वहाँ हीट महसूस होगा और उसमें लाइट होता है, तो उसी को आग बोलते हैं साधारण भाषा में। और आग लगने का तीन कारण है, ऊष्मा, उचित टेम्परेचर, ईंधन और ऑक्सीजन। ये तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो आग उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे त्रिभुज में तीन भुजा होता है ना, तो दो भुजा रहेगा तो त्रिभुज कहलाएगा। उसी तरह आग है, आग में तीन ये चीज रहना आवश्यक है, ईंधन, उचित टेम्परेचर और ऑक्सीजन। आग का मुख्य भोजन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगा, मर जाएगा। जैसे आप लोग पहले देखिएगा समय में कुआं में जाइएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसमें बोलता था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसी लिए कहते हैं आसमान माचिस पर जहरीला गैस होता है कुआं में, उसमें आप लंटेन या दिया को जला के माचिस को नीचे ले जाएगा, यदि आग बुझ जाता था तो मुझे उसमें ऑक्सीजन लेवल खत्म है, उसमें जहरीला गैस। तो उसी तरह आग है, आग का मुख्य भोजन ऑक्सीजन है। तो आग को यदि आप भग दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा तो आग मर। तो आग तीन मेथड से बुझता है, कोई भी आग रहेगा। स्मोदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन। कूलिंग यानी होता है ठंडा करके, पानी डालिएगा ना आग ठंडा होगा, आग बुझ जाएगा। दूसरा होता है स्टारवेशन यानी तितिर बितिर। जैसे आप इसमें 20 बोरी रखा हुआ है कुटी, तो कुटी में जब भी आग लगेगा तो एक एक बंडल में आग लगेगा बोरा में, तो बाकी हम 19 को हटा देंगे तो 19 मेरा सुरक्षित हो जाएगा, एक जल के खत्म होगा। तो आपका कम से कम क्षति हो, यदि आग लग जाए तो आपका कम से कम क्षति हो, इसी के लिए बताया जा रहा है। यदि आपका जिसमें एक में आग लगल है उसी को हम लोग टांग हटा देंगे दूसरा जगह, बाकी 19 को सुरक्षित होगा ना जी, उसी को स्टारवेशन बोलते हैं। स्मोदरिंग बोलते हैं जिसको ढक के उसका ऑक्सीजन लेवल कम कर देंगे। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग ऑक्सीजन से जिंदा है, हम लोग जिंदा रहने के लिए मुख्य क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग को लेना बंद हो जाएगा। उसी तरह आग का है, आग को यदि ढक दीजिएगा जैसे इसमें आग को ढक के बुझाया जाता है, क्योंकि बाबा बोले कि हम लोग एक बार आग लगल था तो उसको हम लोग चोट से बिझा के बोला का तो ढक दिया, आग बुझ गया, बुझ गया ना। और एक और चाचा बताए कि उसमें हम लोग बालू से ढक दिए थे, आग बुझ गया था। वो हुआ स्मोदरिंग मेथड यानी ढक के। हम इसका विधि बताएंगे। देखिए आग मुक्त तो चार प्रकार का होता है। एक होता है साधारण क्लासिफिकेशन ऑफ ए, जैसे अभी कुटी हो गया, टाटी हो गया, टाट हो गया, गोबर, गोईठा, लकड़ी, कपड़ा, जो भी हो, जो साधारण अवेलेबल है हर घर में, रजाई तो सब, इस सब में आग लग जाएगा तो पानी से बुझा, उसको हम लोग साधारण आग बोलते हैं, सिंपल सा। दूसरा होता है गलिया, जो होता है तेल का, जैसे किरोसिन, मोबिल, डीजल, पेट्रोल, लिक्विड जो होता है, वो आग जो होता है क्लास ए के आग से हार्ड होता है। आप पूछिए क्यों हार्ड होता है? क्योंकि पानी से नहीं बुझता है। जब तेल के आग में आप पानी डालिएगा तो और फपकेगा, क्यों फपकेगा? क्योंकि तेल ऊपर उतरा जाता है, पानी नीचे दबेगा, तो उसका पृष्ठीय तनाव पानी का ज़्यादा होता है, तेल का कम होता है, तो पानी के ऊपर उतरने लगता है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग झाग का प्रयोग करते हैं। झाग यानी जो साबुन लगाते हैं, देखते हैं झाग बन जाता है शैम्पू, तो उसी तरह झाग होता है, पानी में मिला के हम लोग रहता है लिक्विड, तो मिला के डालेंगे ऊपर छाप लेता है। यदि आप घर में पूरा पूरी लोग अपने छानते होंगे, जितने माता बहन है, तो आप देखिएगा कड़ाही में आग लग जाता है, उसमें पानी डालते हैं आप लोग नहीं, बस और छंटा मारेगा और देह हो जल जाएगा। तो उसको हम लोग कोई उस तरह का अवेलेबल बर्तन रहता है या उसमें कपड़ा डाल के बुझा देते हैं, बुझता है ना आग, वही होता है। तीसरा होता है गैस का, ये जो होता है बहुत खतरनाक है, क्लास ए क्लास बी का आग, क्योंकि उसमें तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें टाट में आग लगल है, कुटी में आग लगल है, रजाई में आग लगल है, कुर्सी में, टेबल में आग लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इंधन गैस लिक्विड भी आपको दिखाई दे रहा है, टेबल किरोसिन, मोबिल, डीजल, जो भी हो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। ये आपको सुगंध से महसूस होगा कि यहाँ पर यह हमारा ईंधन निकल रहा है, गैस लीकेज।
और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, हर घर में बिजली पहुंच चुका है, घर में आपका जो स्विच है ऑन ऑफ है, ठीक। तो ऑन ऑफ है तो उसमें क्या कीजिएगा, मतलब ऑन है ऑफ है, तो आप बाहर से जाए खाकर चुके रखे से आए और आपका वाइफ भी नहीं है बाहर तो कहीं में चल रही है बाजार में, आप सोचिएगा कि अपने हम कुछ सब्जी है उसको गर्म करके खा ले, तो सब बनाना जानता है, चाय पी ले, कोई मेहमान आ गया तो घर में दूसरे घर में चल रही है वाइफ, तो आप सोचिए हम ही बना के उसको खिला देना चाहते मेहमान को, तो आप जाइएगा यदि सिगरेट पी रहे हैं चाहे बीड़ी पी रहे हैं गए पीते हुए गए ये लीकेज है और सर्वाइव करके चल गई है, ये हर घर में छाप लिया है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उसमें आग लग गई, यदि घर में आपका लीकेज है आप पूजे कोई कर रहा है अगर बत्ती दिया ले जाकर धूप दिखाता है ना उसमें भी आग लग गई फैल जाता है, यदि आपके घर में लीकेज यदि स्विच है ऑन है चाहे ऑफ है उसको सोचिएगा हम बाहर के देखे केने का है लाइट बंद है और आप गए लीकेज है घर में किचन में और किचन में गए आप स्विच डाल दिए कि लाइट जलेगा तब ना, तो वहाँ चिंकारी स्पर करेगा आगे बढ़ने के लिए स्विच से, तो वहाँ भी आग लग सकता है, तो इसीलिए आपको सावधान रखना है। यदि आप लोग जब भी खाना बनाए तो सूती कपड़ा का प्रयोग कीजिए, यदि आप लोग गोईठा गोबर पर खाना बना रहे हैं तो वहाँ पर एक बाल्टी पानी अवेलेबल रखिए और अपना जलावन उतना अवेलेबल रखिए जब तक खाना न बन जाए, क्योंकि आप खाना छोड़ के गए जलावन लाने के लिए कल इधर आग लग जाएगा, और आप भी कभी भी टाट का घर है झूरा कर दिए मच्छर के लिए गर्मी के लिए और आप अपने रजाई में चल गए तो रजाई में जाइएगा और गोबर अपना जो भी आप झूरा किए हैं उसको पैर से मार देगा, जानवर है क्या उसको मालूम है, पैर से मार देगा मच्छर काटेगा चाहे दस बैठेगा मार देगा टाट में धर लिया, लग गया आप तो रजाई में नींद मार रहे हैं और गाय भाई चिल्ला रहा वो भी बगल में अभी रजा कामपुर है हम आग लगल था उसी तरह एगो बकरी जल के मर गई एगो गाय उसका बहुत जल गई ज्यादा जी का, तो उसमें आप सोए हुए हैं आपको महसूस नहीं होगा ठंडा का मौसम रजाई ओढ़ लिया आपको सुनने शक्ति सुनने का लेवल भी कम हो जाता है आप रजाई है नींद में और गाय चिल्ला रहा है कर रहा है, इसीलिए गाय भैंस का जब भी बनिए उतना रस्सी बनिए कि अब कम से कम उसको दिक्कत हो तो तोड़ ले, यही ना कि बांध दीजिए सिक्कड़ में छटपटाटे में रह जाएगी, इसको हम लोग बिछा के दिखाएंगे, चौथा होता है मेटल का जो होता है मेट कंपनी ओपनी में होता है उसके तो नहीं है, देखिए आप लोग कभी भी पूजा पाठ कीजिए तो अच्छा जगह अगरबत्ती बाली, यदि आप अपने बच्चा को कोई छोटे छोटे में सिखा देता है खाना बनाने सिखाइए वो ना बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन अपना रहते हुए उसको सिखाइए, क्योंकि आप चल गए कटनी करने चाहे कोई घर में और सब चल जाते हैं मार्केट चल जाए कहीं चल जाए और बच्चा को छोड़ के आप चल गए तो बच्चा को छोड़ के जाइएगा उसके तो क्या करेगा, अपना कोई दोस्त उसका आ गया वो तो खेलने भाग जाएगा, बच्चा घूम रहा हम लोग भी भाग जाते थे गुल्ली डंडा कुछ खेलने के लिए, घर में रहे या न रहे केवाड़ी बंद है या न बंद है वो भाग जाए उस तरह वो भाग जाएगी, यदि चूल्हा पर रखा हुआ है तो भाग गिरेगा और आग लग जाएगा, यदि चूल्हा बुती हो गया गैस सिलेंडर तो वो तो निकलते रहेगा लीकेज रहेगा और आपको आएगा हटा वगैरह कुछ कुछ करेगा गैस आग लग जाएगा, तो उसमें क्षति बहुत हो जाएगा, और तुरंत देखिए आप पहले आप अपना प्राथमिकता निभाना है, जैसे आप यहाँ आग लगेगा तो पहले आप लोग हैं समाज है गाँव है तो पहले आप ही ना उसको हेल्प कीजिएगा उसके बाद हम लोग यहाँ कॉल कीजिएगा फायर समाज दौड़े पानी देखिए गाँव है जो गढ़ है बोला जाता कहीं रहिए गांव में आ गए तो सुरक्षित है ना, आपसे लड़ाइयों है लेकिन उस समय आपदा आएगा तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा, आपसे कुछ दुश्मनी है लेकिन हेल्प कीजिएगा, इसीलिए आप लोग आए हैं कि आप लोग कम से कम उसको देखिए और दिखाइए दिखाई देखिए इस क्या सावधानी है बरतना है, यदि आपका बिजली का तार गया है अभी धान का कटनी स्टार्ट था तो आप रोडे में लगा दिए कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसको बोलिए पी रहा तो खराब बात है लेकिन पी रहा तो अपना बुझा कर नहीं तो बीड़ी सिगरेट पी रहा फंगा जैसा अब बीक के चल देगा ये टाट में या बगल में देखिए है ना अपवाद में यहाँ आग लग जाएगा वो तो चल जाएगा सोलोना बकरी पर हिल जाएगा अपना खगड़िया लेकिन आग क्षति किसका हो, लेकिन समाज जब शिक्षित होता है तो अपने आप निर्भर होता है क्योंकि आपको महसूस होता है कि हम गलती कुछ खुद करेंगे तो कुछ समाज का इसमें क्षति होगा, तो आप खुद कीजिएगा देखिए उस देखिए आप वहाँ भी रखा हुआ है छत पे तो वहाँ भी कोई लड़का गया पटाखा के दिन में जैसे कोई उत्साह मना रहा कोई हर पाकिस्तान मैच हो रहा उसमें छोड़ दिया तो छत पे रखा हुआ जल जाएगा उससे क्षति होगा ना,
तो पहले आपको सुरक्षित रहना है, और पहले देखिए कभी भी आग बुताने समय घबराना नहीं। इसका भी अवेलेबल कुछ है नहीं, कैपेसिटी बना हुआ, जैसे हमारा कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने का, तो हम 60 किलो उठाएंगे तब हम मरेंगे, है कि नहीं बात? चलिए इसका कैपेसिटी है कि चलेगा।